Back once again, and this is a class for 8.1 exercise. We will solve 8.1 exercise today. You can see on the screen. Before that, I have already uploaded 4 small video of trigonometry. These videos are foundation for you, and I have uploaded these videos 5 days back. So I thought आपने वो देख लिए होंगे. These videos are going to provide foundation for you. And I have already uploaded some questions related to formula. And now I am going to start 8.1 exercise. Foundation हमारी बन चुकी है. तो अगर आपने वीडियो देखे होंगे ये क्वेश्चन आप कर लेंगे. Now before this I have also uploaded 4 chapters. Complete 4 chapters हैं. बड़े ढंग से बताया गया है. जैसा सेटअप है उसको देख रहे हो इतना अच्छा सेटअप नहीं है. But you can understand at least. You can understand at least in such atmosphere. And if you keep motivating me by viewing, by subscribing my channel, मैं सेटअप भी बढ़िया कर लूंगा. In addition to this, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, but I have already uploaded 7 test, 7 good quality test. आपको वो जरूर देखने चाहिए. एक एक घंटे के 7 test हैं. Please try to solve this test. जिसमें से 5 का solution भी मैंने अपलोड किया हुआ है. 5 का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड सी माय सॉल्यूशन, बट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट इफ यू वांट टू सी माय सॉल्यूशन, अब मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं. अदरवाइज कहीं से भी पढ़ते हैं आप, सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने ट्यूटर से पढ़ते हैं, अपने स्कूल वाले से, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एनी वन, बट यू शुड सॉल्व दीज टेस्ट. नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. हमें क्या है निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, और साइन सी कॉस सी. अच्छा, इससे पहले एक चीज रिवाइज कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? कुछ फॉर्मूला था हमारे पास. क्या था फॉर्मूला? था पहली बात तो ये थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए था. राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए था, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए था. वन एंगल कितने का होना चाहिए था? 90 डिग्री का. लेकिन इसका कहीं यूज नहीं करते हम लोग. 90 डिग्री का तो है, बट वी डोंट यूज. यूज किसका करते हैं? अदर एंगल. जो अदर एंगल है उनका यूज होता है. अदर एंगल है उनका यूज होता है, उनका हम लोग यूज करते हैं. ये चीज को समझ में आनी चाहिए. तो ये 90 डिग्री है. अगर हम इस ट्राइंगल में नाम दे दें, क्या नाम दे दें? ए बी सी. क्या नाम दे दें? ए बी सी. एक हमारा क्वेश्चन है और बताया गया है जो एबी है, एबी कितनी है? 24. बीसी कितनी है? 7. तो एसी के निकालना, यही क्वेश्चन है हमारा. एसी कितनी होगी? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम एसी इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. क्या आ जाएगा? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम बीसी स्क्वायर निकालेंगे. क्या आ जाएगा? ये आपको याद होना चाहिए. अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए. यहां पे 25 आएगा, आपको पता होना चाहिए. ठीक, क्योंकि और याद इन द सेंस समझा हुआ 25. ठीक, एसी 25 आ गई. मैं इसको मिटा रहा हूं. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल गिवन था. हम राइट एंगल ट्रायंगल होने क्या मतलब है? उसमें 3 एंगल होंगे, 3 साइड होंगी. सो वी हैव गॉट ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स, जिसमें से 2 एंगल्स हमारे पास अननोन है. अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेबल की. कुछ साइन कॉस 10 हुआ करता था, तो कैसे लिखते थे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ऊपर लिख देते थे सोना चांदी तोले. ये साइन हो जाता था, ये कॉस हो जाता था, और ये 10 हो जाता था. ऐसे ही था, और ये यहाँ पे इस तरीके से लग जाता था. ये लाइन खींच लेते थे. देखो काम खत्म. दोबारा मैं यहां करके दिखाता हूं कैसे. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, थोड़ा वैसे लिखते हैं सोना चांदी तोले. साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये 10 हो गया. हमने ये लाइन खींच ली, ये अपॉन लगा दिया. मैंने वहां पे टेबल फॉर्म में नहीं बताई थी, लेकिन आपको ऐसे तो बता दिया था. और अब यहां से लिख लें, क्या साइन क्या होता है?
अगर अलग लिखना चाहें साइन क्या होता है, कोई एंगल रहा होगा ना। अच्छा दूसरा कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच। टैन क्या होता है, थीटा, मतलब थीटा क्या है, थीटा एक रेफरेंस पॉइंट है। हम हर कोऑर्डिनेट, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9 क्लास में पढ़ी थी, ओरिजिन लिया था हम 1, 2, 3 पढ़ते हैं, ओरिजिन लेते हैं 0। तो देखो ये एक बार हमने रिवाइज कर लिया, रिवाइज कर लिया तो अब हमको साइन रेफरेंस पॉइंट क्या, अगर मैं थीटा कोई एंगल ले लेता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में, रेफरेंस पॉइंट क्या मतलब हुआ, अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, ये तो हमको पता चल गया रेशियो है। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा जिसका हमें कहीं यूज नहीं करना, दूसरा एंगल थीटा है, मान लिया ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड पी होगी, थीटा के सामने वाली साइड पी होगी, थीटा के इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होगी और थीटा के साथ वाली साइड बी होगी। यही तो है, यही तो है। अच्छा अब हम एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए की बात करते हैं, यहाँ थीटा के सामने वाली साइड थी तब साइन लिया था ना, साइन थीटा में थीटा के सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी, वैल्यू बाद में रख लेंगे। कॉस ए, थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड बी बेस थी, एंगल ए के साथ वाली साइड ए बी है और हाइपोटेन्यूज। साइन सी की बात कर रहे हैं, जब साइन की बात कर रहे हैं तो थीटा के सामने वाली साइड, सी के सामने वाली साइड ए बी और हाइपोटेन्यूज। जब कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस सी के साथ वाली साइड बी सी और हाइपोटेन्यूज। तो हम यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, बी सी क्या है, बी सी हमारा है 7, ए सी है 25, ए बी है हमारा 24 और ये है 25। यहाँ पे बी सी क्या है, बी सी है 7 7 बाई 25। अगर इसको पी नीचे लिख लेते, यहाँ हमारा ए बी क्या है, ए बी है 24 अपॉन 25। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, रेफरेंस मिटा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, डिटरमाइन वैल्यू निकालनी थी, पहले क्वेश्चन में ये निकालना, पार्ट में ये निकालना था, दूसरे पार्ट में ये निकालना था, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व होता है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि साइन ए कैसे निकाला, साइन बी कैसे निकाला, बस यही पूरी थ्योरी है। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। इट इज प्रेजेंट एट योर स्क्रीन, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, पूरे राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ये है राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ये है, जिसमें पी क्यू आर ये आपको दे रखा है 13 और ये दे रखा है 12। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हमको निकालनी पड़ेगी, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और किसके लिए, क्यू आर के लिए, क्यू आर के लिए हमने अप्लाई किया। तो क्यू आर बराबर क्या हो गया हमारे पास, क्यू आर बराबर हो गया है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, मतलब 169 144, मतलब 45। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रिपलेट है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, 12 13 5 12 13 एक ट्रिपलेट है जिस पर मैं काफी फोकस करता हूँ। अच्छा ये हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेन पी, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर, कॉट आर। तो अगेन मैंने आपको बताया हुआ है आप हमेशा वो चीज लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं देखेंगे, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, बाकी आप पीछे भर लेंगे, ये टेन हो गया, हमें टेन चाहिए। तो टेन क्या होता है, यहां से मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा की बात हो गया, और कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट टेन थीटा का उल्टा होता है, तो उसी एंगल पे कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, ये हमको पता होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा अब कॉट यहां लिख देता हूं, अगर हो सकता है आपको, कॉट इसका उल्टा होता है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा अब थीटा के सामने थीटा कौन सा है, यहां पर पी लिया गया है, तो टेन पी की बात करेंगे, टेन पी की अगर बात करेंगे यहां पर देखते हैं, अगर टेन पी की बात करेंगे
टेन पी क्या है, टेन पी ये है, टेन पी क्या है ये, तो पी के सामने वाली साइड क्यू आर, और टेन के सामने वाली साइड क्यू आर, और पी के साथ वाली साइड पी। अच्छा कॉट आर की बात करते हैं, कॉट आर क्या होता है, आर के साथ वाली साइड क्यू आर, कॉट थीटा क्या होता है, एंगल के साथ वाली साइड। तो आर रखा है हमने थीटा की जगह, थीटा के साथ वाली साइड, अगर थीटा अगर इसमें हमने आर ले लिया है तो आर के साथ वाली साइड, आर के साथ वाली साइड क्या है क्यू आर, और आर के सामने वाली साइड पी क्यू। अच्छा तो इसका मतलब अगर मैंने यहां पे ये वैल्यू रख दी क्यू आर माइनस, अगर ये वैल्यू मैंने रख दी पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू, तो ये जीरो होना चाहिए, सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हमने ये निकाला उसके बाद ये निकाला और वैल्यू पुट की, ये आपको पता होना चाहिए, यहां से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हैव अ लुक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, एट प्रेजेंट योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर है, हमको साइन दे रखा है, हमको साइन ये दे रखा है थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए और टेन ए, हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए। दोबारा से अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, हम ए की बात कर रहे हैं, ए हमने एंगल यहां ले लिया बी सी। अच्छा अब वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई मेरे पास, साइन की वैल्यू क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई अगर ए है, साइन ए यहां से क्या हो गया, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई पी अपॉन एच, मतलब ए के सामने वाली साइड क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन ए सी। लेट बी सी हमारी थ्री एक्स है एंड ए सी हमारी फोर एक्स है, देखो साइन ऐसा ही तो होता है, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली यहां से तो ये आ गया। अब हमको पता चल गया है बी सी है हमारी, जो बी सी है वो क्या है थ्री एक्स है, बी सी क्या है हमारी थ्री एक्स है, और ए सी है हमारी क्या है फोर एक्स, तो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ये थ्री एक्स हो गया और ये फोर एक्स हो गया। अब यहां पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो डायरेक्ट मैं लगा देता हूं यहां पे, ठीक है, अगर मैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ए बी की वैल्यू मेरे पास ये आने वाली है ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अच्छा मतलब क्या हो गया, ए सी स्क्वायर कितना हो गया सिक्सटीन एक्स स्क्वायर, और बी सी कितना हो गया सेवन एक्स स्क्वायर, मतलब सॉरी सेवन क्या ये नाइन एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ए बी की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आने वाली है अंडर रूट सेवन एक्स, अंडर रूट सेवन एक्स, देखो मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाल के वो वैल्यू वहां निकाल ली है, ठीक है। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम मैंने ए बी निकाल दी है कितनी आई है रूट सेवन एक्स, आप निकाल सकते हो, ये तो बेटा आपके लिए अब इजी होना चाहिए क्योंकि आप लोग टेंथ में पढ़ रहे हो। अब कॉस ए की बात करेंगे, कॉस ए क्या होता है, कॉस होता है मेरे पास, कॉस होता है एंगल के साथ, एंगल के साथ वाला बेस, एंगल क्या है ए, एंगल के साथ वाला बेस, तो एंगल के साथ वाला बेस क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ए बी की वैल्यू रखी मैंने रूट सेवन एक्स और ए सी की वैल्यू रखी फोर एक्स, तो क्या आ गया रूट सेवन बाई फोर। टेन की बात करते हैं तो एंगल के साथ, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या है बी सी, और एंगल के साथ वाली साइड ए बी, बी सी क्या है थ्री एक्स, ए बी क्या है रूट सेवन एक्स, थ्री बाई रूट सेवन, अगर इसको मैं वो कर लूं रैशनलाइज तो आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। तो लेट अस हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही, तीन ही क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके आपको बोर ना लगे, अदरवाइज लंबी क्लास आप लोग बोर भी हो जाते हैं। सो लेट वी विल सी, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो अगेन, आप इन क्वेश्चन को तब तक करिए, बाय बाय।